नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं लॉन्ग विकेट क्रिकेट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी की साल यहां पे 26 अक्टूबर को आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए कोच राहुल द्रविड़ उन खिलाड़ियों की तलाश कर रहे हैं जो कि प्लेइंग 11 के अंदर जगह बनाएंगे या फिर जो 17 या 18 खिलाड़ी लेने हैं उनके लिए तराशा जा रहा है। इसी के बीच कुछ ऐसे खिलाड़ी जो कि ड्रॉप आउट हो सकते हैं इस वर्ल्ड कप से, सीधा क्लियर कट हो सकता है, इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई खिलाड़ी तो इंजरी की वजह से ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन उसी के बावजूद कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो अपनी स्ट्राइक रेट के चलते या फिर जो अपनी आउट ऑफ फॉर्म के चलते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप 2023 का हिस्सा नहीं रहने वाले हैं। उसके अंदर से एक नाम आता है शिखर धवन का, जो कि ओपनिंग करते हैं, लेकिन उनका पत्ता लगभग क्लियर कट चुका है। इसका रीजन ये है कि उनकी लो स्ट्राइक रेट, कहा यहाँ पे उनकी स्ट्राइक रेट की वजह से वो हट सकते हैं इस वर्ल्ड कप से। उनकी जगह लेने के लिए यहाँ पे एक अच्छा दावेदार भी मिल चुका है इंडियन टीम को, सुमन गिल के रूप में, जो कि काफी अच्छे फॉर्म के अंदर दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने डबल सेंचुरी भी लगाई है, जो कि स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यही आ सकते हैं यहाँ पे। दूसरी ओर यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, जो कि एक बार बहुत ज़्यादा अच्छे 360 डिग्री के नाम से जाने लगे थे, हर एक मैच के अंदर काम अच्छा कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और इसकी वजह से उनका भी पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे ऋषभ पंत जो कि इंजरी के कारण, बुमराह जो कि इंजरी के कारण, लेकिन उन्हें बताया जा रहा है कि वापस लिया जा सकता है जब तक वर्ल्ड कप शुरू होगा, जब तक वो ठीक होने की आशाएं लगाई जा रही हैं। अब इनके में इनमें से कौन सा प्लेयर अंदर आ सकता है, उसके बारे में आपकी क्या ख्याल है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।